नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली 5.1 का छठे से लेकर नवा प्रश्न है। और बाकी पहले से पांचवें तक के प्रश्नों को हमने पहले दो वीडियो में पूरा कर लिया था। छठा प्रश्न देखिए, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। संपूरक आप जानते हो, यानी इन दोनों 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो इनका मान कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए ये संपूरक है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों संपूरक कोण फिर भी बने रहें। ये चित्र है, इस आकृति में देखिए आप, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये एक रैखिक युग्म बन रहा है और ये दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। यानी इन दोनों का मान कितना होता है जोड़े तो 180। इस आकृति में आप देखो, ये पहला कोण बड़ा है, अधिक कोण है, और दूसरा कोण छोटा है यानी न्यून कोण है। अगर इसको हम न्यून करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, अधिक। इसलिए सीधा सा नियम है, अगर दो कोणों का योग, जब संपूरक कोण है एक दूसरे के, उनका योग 180 डिग्री है, तो पहले कोण को अगर कमी की जाएगी तो दूसरे कोण में वृद्धि हो जाएगी। इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या रहेगा इसमें, कि यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में वृद्धि होगी। ये लिख देना उत्तर। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, देखिए क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों एक न्यून कोण है। दोनों न्यून कोण हो तो नहीं, संभव ही नहीं है। दो संपूरक का मतलब था 180 डिग्री, पहला कोण और दूसरा कोण दोनों को जोड़ें तो उनका मान होना चाहिए 180 डिग्री। और न्यून कोण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो अगर दोनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो तो उनका मान 180 नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, संपूरक नहीं हो सकते दोनों न्यून कोण है तो। और दोनों अधिक कोण हो तो क्या वो संपूरक होंगे, नहीं, क्योंकि 90 डिग्री से जिसका मान ज्यादा हो वो अधिक कोण होता है। और जब 90 डिग्री से ज्यादा मान के दो कोणों को जोड़ें तो 90 90 180 होता है। अगर 90 से ज्यादा के मानों को हम जोड़ते हैं तो वो 180 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए दो अधिक कोण भी संपूरक नहीं हो सकते। आप अपने पाठ्य पुस्तक जो गणित की है उसमें भी नियम दे रखे हैं, सब साफ साफ उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो न्यून कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं होता है, इसलिए ये संपूरक नहीं हो सकते। और दो अधिक कोणों को जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री से उनका मान ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो भी संपूरक नहीं हो सकते। अगर दो समकोण है तो बिल्कुल दोनों कोण समकोण है तो वो संपूरक होंगे। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का जो कोण होता है वो 90 और 90 दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। दो समकोण संपूरक के बराबर होते हैं। अब अगला प्रश्न आपका 8वां, एक कोण जिसका मान है 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री से बड़ा है तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, नहीं, क्योंकि 45 डिग्री से ज्यादा अगर बड़े दो कोण और उनको जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं। जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो पूरक होते हैं, और उन दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक होते हैं। ये बात तो हमने पहले जान ली थी, इसलिए अगर दोनों 45-45 के हैं तब तो दोनों का मान 90 डिग्री हो जाएगा और वो क्या होते हैं, पूरक होते हैं। लेकिन यहां पर एक कोण 45 से बड़ा है इसलिए उसका जो दूसरा पूरक कोण है वो 45 डिग्री से बड़ा हो गलत है, छोटा होगा तो ही वो पूरक होंगे। अब ये कह रहा अथवा 45 डिग्री के बराबर है, हाँ ये 45 से बड़ा है तो ये 45 के बराबर होगा तो भी नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तो 45 से ज्यादा है, एक 45 तो, ये तो दोनों 90 से ज्यादा हो रहे हैं। अथवा 45 डिग्री से छोटा है, अगर दूसरा कोण 45 डिग्री से छोटा है तो संभव है, हाँ ये पूरक होंगे। एक बड़ा 45, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा और एक कोण 45 डिग्री से छोटा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, इसलिए उत्तर क्या होगा कि अगर एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा कोण 45 डिग्री से छोटा होगा, न तो वो बराबर होगा और न बड़ा होगा, वो छोटा ही होगा। इस प्रकार आप 8वां कर लेना। फिर आपका 9वां देखिए, संलग्न आकृति में, ये आकृति आपको अच्छी तरह दिख रही है, एक भुजा तो है ए बी, दूसरी है सी डी और एक है ओ ई। ओ ई ध्यान से देखो, ये ए बी सी डी ओ ई। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कि कोण 1 कोण 2 का आसन है क्या। कोण 1 कहां पर है, ये रहा, और कोण 2 कहां पर है, ये रहा, ये दोनों कोण के आसन है, हाँ बिल्कुल आसन है। आसन कोण की परिभाषा क्या है,
कि दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, इस बिंदु पे ही तो दो बन रहा है, इसको हटा दें तो दो और एक दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों कोणों का शीर्ष एक ही हो और दोनों यानी उभयनिष्ठ हो, और दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों की शिरोली दीवार, एक तरह से अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं। तो कोण इस भुजा को हटा दें तो ये कोण दो हट जाएगा, इस भुजा को हटा दें तो कोण एक भी हट जाएगा। इसलिए एक कोण एक और कोण दो दोनों की ये उभयनिष्ठ भुजा है सी ओ सी, इसलिए ये दोनों क्या है आसन्न कोण है। आप अपने पुस्तक को देखोगे बीच का एक पेज ऐसे खड़ा कर लोगे आप, तो ये तो हो गई उभयनिष्ठ भुजा, एक पेज इधर का और एक इधर का, ये दोनों बीच की उभयनिष्ठ हो गई। तो हम कहेंगे कोण एक और कोण दो क्या है, इनकी एक भुजा और एक शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, सामूहिक है दोनों का, इसलिए ये क्या है आसन्न है। दूसरा प्रश्न कर रहा है इसी में ही, क्या ए ओ सी, ध्यान से सुनना, ए यहां से शुरू हुआ, ए ओ और सी ये हो गया कोण नंबर एक, ए ओ सी, ए ओ सी और ए ओ ई आसन है, ए ओ ई नहीं, ये आसन नहीं हो सकते। अगर ए ओ सी है तो इसका आसन होगा सी ओ ई, लेकिन हमारे को दे रहा है ये ए ओ सी का आसन क्या ए ओ ई है, नहीं है। इस कोण का आसन कोण है ये, इसलिए हम कहेंगे ए ओ सी का आसन कोण नहीं है ए ओ ई। उभयनिष्ठ भुजा बनी नहीं रही है, ध्यान से आप खुद देख लेना, ऐसे और ऐसे होता तो आसन थे, लेकिन ये और ये आसन नहीं हो सकते। तीसरा प्रश्न है सी ओ ई एवं ई ओ डी रेखा की युग्म है क्या, तो सी कहां पर है येरा, ओ कहां पर है येरा, सी ओ ई, सी ओ ई और ई ओ डी बिल्कुल ये रेखा की युग्म है, क्योंकि पहला कोण तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये एक ही रेखा पर है, ये ओ ई इसमें उभयनिष्ठ भुजा है, ये रेखा और ये रेखा बीच में से इस सी डी रेखा को ओ ई बीच में से दो भाग कर रही है, तो एक तो हो गया इधर वाला और एक भाग हो गया इधर वाला, ये तीन और चार वाला एक और एक और ये दो वाला एक, ये दोनों क्या है आसन है, रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म मतलब सीधी रेखा पर एक जब त्रिरेखा क्षैतिज रेखा काटती है तो दोनों तरफ बनने वाले कोण रेखीय युग्म होते हैं, तो ये आप कहते हैं इसमें हाँ। अगला है चौथा बी ओ डी और डी ओ ए, बी कहां पर है ये रहा, बी ओ और डी कहां पर ये रहा, तो बी ओ डी ये नीचे की वाला ये आ गया, समझ में आ रहा है, ये तो गया बी ओ डी और दूसरा डी ओ ए, डी ओ ए ये हो गया दूसरा वाला। क्या ये दोनों संपूरक हैं, तो देखिए बिल्कुल हैं, ये कोण दोनों मिलाकर के 180 डिग्री बनते हैं, रेखीय युग्म बन गए ना यहां पर, डी ओ बी और डी ये कह रहा डी ओ ए ये आ रहा, तो ये एक बीच में भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए रेखीय युग्म में कोण पांच और चार कर देना हाँ। फिर अगला पांचवा प्रश्न इसी में ही नवे का, कि कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण चार है क्या, कोण एक ये रहा, इसका शीर्षाभिमुख चार बिल्कुल है। शीर्षाभिमुख की परिभाषा क्या है, जब दो तिरेक क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। एक का शीर्षाभिमुख हो गया चार और पांच का शीर्षाभिमुख हो गया दो और तीन दोनों मिला करके, समझ रहे हो, दो प्लस तीन शीर्षाभिमुख है पांच का, कैंची की तरह ऐसे क्रॉस करते हैं ना क्रॉस, तो ये बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख होते हैं दोनों तरफ के। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका कोण पांच का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये कोण पांच है यहां से यहां तक, तो इसके सामने वाले ये है, ये यहां तक ये है ना, ये क्रॉस हो रहा है यहां पे, तो इसका शीर्षाभिमुख हो गया ये कोण एक और दो, आप कह देना सी ओ सी ओ बी, तो आप कह सकते हो कोण पांच का शीर्षाभिमुख है सी ओ बी। तो प्यारे बच्चों समझ में आना चाहिए, मैंने कोशिश की है बताने की पूरी, फिर भी नहीं आया हो तो धीरे धीरे वीडियो को रोक के दो या तीन बार आप समझना, अपनी पाठ्य पुस्तक को देखना, आपके जरूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसमें दोबारा दूसरा और कोई वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाले प्रश्न आने वाले वीडियो में डालूंगा मैं, आप उसको जरूर देखना, इन प्रश्नों के प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है।